This video is only for educational purpose. The testing was done on our own network. Arduino Boy and any of its members do not support any kind of hacking and are not responsible for any type of damages done. दोस्तों सब्सक्राइब करिए Arduino Boy चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सको मेरे वीडियोस सबसे पहले। Hi guys, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपना खुद का एक वाईफाई जैमर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिनको नहीं पता कि वाईफाई जैमर कैसे वर्क करता है तो उनके लिए मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग जो है अपने नोटपैड पे स्विच हो जाते हैं। सो यप, अब हम लोग आ चुके अपने नोटपैड स्क्रीन पर, तो देख सकते हो। तो अब ये कैसे वर्क करता है मैं दिखा देता हूँ। ये मान लो आपका फ़ोन है, ठीक है, तो ये आपका फ़ोन रहा, ठीक है, और ये आपका ब्रॉडबैंड, ठीक है, ये आपका मान लो ब्रॉडबैंड है, सॉरी ये मान लो आपका ब्रॉडबैंड है। अब ये जो है ना कुछ रेडियो सिग्नल से आप बोल सकते हो रेडियो वेव्स भेजता है, ठीक है, ये भेजा जो कि आपका फ़ोन रिसीव करता है और जिसकी मदद से आप जो है अपना वाईफाई जो है चला पाते हो, ठीक है, वाईफाई यूज़ कर पाते हो। अब एक वाईफाई जैमर क्या करता है ना, ये भी रेडियो वेव भेजता है या बोल सकते हो रेडियो सिग्नल जो कि इसी के फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पावर होता है ना कि ये वाले को ना कैंसिल कर देता है सीधे, ख़त्म। ये अब इसका जो है इसके पास नहीं पहुंच पाता, ये चल जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, ठीक है। अब इतना पावर होता है ना कि इसको खारिज कर देता है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि आप वाईफाई जो है यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए फिर नॉर्मल स्क्रीन पे अब हम लोग सेट हो जाते हैं। सो यप, इस प्रोजेक्ट के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो यही है, नोड एमसीयू, और आपको साथ में कोई वायर्स ये सब या फिर कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए होगा, सिर्फ आपको एक नोड एमसीयू चाहिए होगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक नोड एमसीयू चाहिए होगा। तो बेसिकली ये कैसे वर्क करेगा ना, एक मतलब हम लोग को आईडी में कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोड भी नहीं लिखना होगा, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको जस्ट उसको इंस्टॉल करना है और उसे जो है फ्लैश करना है। अब कैसे आगे मैं स्टेप अभी दिखाऊंगा आपको। तो अब हम लोग जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पे स्विच हो जाते हैं ताकि मैं दिखा सकूँ सारे का सारा स्टेप। तो चलिए फिर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर हम लोग स्विच हो जाते हैं। सो यप, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आपको जो एक फाइल नीचे लिंक मिला हुआ होगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये जैमर करके होगा, ठीक है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, फिर नोड एमसीयू जैमर। तो आपको ना सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका विंडोज़ कौन सा है, 32-bit का है या 64-bit का है। जैसे मेरे पास 64-bit का है तो मैं 64-bit पर क्लिक करूँगा, फिर आपको रिलीज पे जाना है, फिर आपको फ्लैशर फॉर 64.exe दिख रहा होगा, तो आपको इसको सिंपली इंस्टॉल रन कर लेना है। तो आपको ना सबसे पहले यहाँ कॉम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मेरा यहाँ कॉम 7 है तो मैंने कॉम 7 सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद जो है आपको एडवांस पे जाना है, अपना ब्रॉड रेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है अगर मैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो आपको जो है सारा देख सकते हो, ये पूरा रिस्टोर डिफ़ॉल्ट हो गया, सब चीज़ डिफ़ॉल्ट हो गया। तो कॉम आपको जाके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है एडवांस से पहले, फिर वहाँ पर ना आपको इंटरनल ये देख सकते हो नोड एमसीयू दिख रहा होगा, ये सेटिंग्स जैसे आइकन को क्लिक करना है, ये सेटिंग्स वाले आइकन को, फिर आपको ये दी ऑथर फाइल डॉट बिन को ओपन कर लेना है। उसके बाद एडवांस में जाके अपना ब्रॉड रेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मेरा मैं यहाँ ब्रॉड रेट जो है 115,200 सेलेक्ट करने वाला हूँ, और फ्लैश साइज मैं 4 MB ही रखूँगा, और फ्लैश स्पीड मैं यहाँ पे 80 MHz कर दे रहा हूँ। फिर ऑपरेशन में जाके आपको सिंपली जो है फ्लैश कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा।
कंप्लीट होने वाला है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो जब कंप्लीट होगा ना, ये आपको एक टिक का लोगो दिख जाएगा, तो आपको इसको सिंपली क्लोज कर देना है। और अपने वाईफाई में आके लैपटॉप पे देख सकते हो, यहाँ आपको दिखाएगा प्यून करके। एक मिनट में ऑफ करके ऑन करता हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा लो हैंग क्यों कर रहा है, एक मिनट, ये प्यून करके आता है, एक मिनट। तो ये आ गया है प्यून। तो आपको जो है कनेक्ट ऑटोमेटिकली मैं सेट कर देता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये चेकिंग नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स देख रहा है। तो ये थोड़ा मे भी टाइम लेगा कनेक्ट होने पर। सो यप, ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ लिखा हुआ है नो इंटरनेट सिक्योर्ड। फिर आपको जो है जाना है अपने क्रोम पे, या फिर आप कोई और ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि क्रोम आप यूज़ करो। फिर आपको टाइप करना है 192.168.4.1। यहाँ आप देख सकते हो आ गया है मेरा, ठीक है। आपको जाना है, फिर आपको यहाँ बोलेगा दिस सॉफ्टवेयर इज़ मीन फॉर टेस्टिंग कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ इन द 802.11 स्टैंडर्ड, प्लीज चेक द लॉज ऑफ फॉर योर कंट्री बिफोर यूजिंग इट, यूज इट ओनली ऑन योर ओन नेटवर्क एंड डिवाइसेस। तो यहाँ मैं कर दूंगा ये रीड एंड अंडरस्टूड नोटिस अबव, क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ स्कैन करना है ताकि आप देख सको कौन कौन सा नेटवर्क आपके आसपास है। तो यहाँ मेरा अभी लैपटॉप का ही दिखा रहा है, मैं एक मिनट अपना भी नेटवर्क ऑन कर लेता हूँ यहाँ से अपना हॉटस्पॉट। सो ये आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने मेरा अपना नेटवर्क ऑन किया तो यहाँ आने लगा, ये मेरा ही नेटवर्क है U5014। और अगर आपका ऑन करने के बाद नहीं आता तो आप एक बार स्कैन कर सकते हो, जैसे यहाँ देख सकते हो यहाँ स्कैनिंग लिखाएगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे दो ही नेटवर्क है, तो मैं इसको जो है यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट हो गया। फिर आपको अटैक्स पे जाना है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है आपको डीओथ दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है स्टार्ट कर देना है, यहाँ स्टार्टिंग लिखा रहा होगा। तो 10 पैकेट्स दिखा रहा है पर सेकंड। तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने फ़ोन पे कि ये कनेक्ट ले रहा है कि नहीं। तो अपने अब हम लोग स्विच हो जाते हैं अपने फ़ोन पे। सो यप, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने अभी यहाँ फ़िलहाल ऑफ़ करके रखा है, यहाँ देख सकते हो मेरा दिखा रहा है हॉटस्पॉट 3 डिवाइसेस इज़ कनेक्टेड। मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है U5014। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट तो स्टार्टिंग लिखा रहा है, देख सकते हो NodeMCU में ब्लू LED भी जल गया। अब देख सकते हो 10 पैकेट्स पर सेकेंड जा रहा है, देख सकते हो यहाँ लिखाने लग गया सर्चिंग, फिर कनेक्ट ले रहा है लेकिन फिर छोड़ देता है कुछ टाइम पे, देख सकते हो फिर सर्चिंग आ गया, फिर ये कनेक्ट होगा, फिर थोड़ा देर बाद सर्चिंग लिखाएगा, फिर कनेक्ट होगा। आप देख सकते हो सिर्फ सर्चिंग सर्चिंग ही लिखा रहा है, तो देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।